स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर बीएससी का सिलेबस, बीए का सिलेबस या बीकॉम का सिलेबस या फिर जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत जो सिलेबस अभी आए हैं सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत, फिर एनुअल मोड का सिलेबस, तो मतलब कुल मिला के सारे बच्चे जो है सिलेबस की मांग कर रहे हैं कि सर सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दो। तो इतने सारे सिलेबस जो है मैं अलग अलग टाइप से अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सिलेबस हो यानी सेमेस्टर वाइज हो या फिर जो आप एनुअल मोड में पढ़ाई कर रहे थे उसका सिलेबस हो। पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। देखिए जो नए स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर सेशन है यानी जो अभी एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए मैंने एक नया ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उसे जाकर आप ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और एनुअल मोड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पहले से ही एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। देखिए आपको सबसे पहले जाके क्रोम में सर्च कर लेना है कुमाऊं यूनिवर्सिटी को, तो कुछ इस तरह का लिंक सबसे ऊपर खुल जाएगा, तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले इसे क्या करना है, आपको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, तो इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूं। अब आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको 3 लाइंस यहां पर दिखाई दे रही है, इस 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, तो जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है फैकल्टीज, तो आपको इस पे टच नहीं करना है, बस क्या करना है सिंपली इसके सामने जाना है। ये देखिए 1 2 3 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर ये जो डॉट के साइन दिखाई दे रहे हैं इस पे आपको टच करना है, तो टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फैकल्टीज ऑफ आर्ट, फैकल्टीज ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो जो भी जिस ग्रुप से जिस फैकल्टी से आप रिलेट करते हैं उस फैकल्टी को आपको खोलना है, जैसे आर्ट साइड से हो यानी बीए हो तो आप आर्ट साइड में जाइए, अगर बीएससी हो तो आप साइंस में जाइए फैकल्टी ऑफ साइंस में, कॉमर्स साइड से हो तो आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाइए, मैनेजमेंट से हो बीए बीबीए वगैरह कर रहे हो तो मैनेजमेंट में जाइए, एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से हो बीएड वगैरह कर रहे हो तो आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जाइए, एंड टेक्नोलॉजी से हो तो आप टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हो तो आप फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बीएससी की बात कर रहा हूँ, तो मैं फैकल्टी ऑफ साइंस पे जाता हूँ, फैकल्टी ऑफ साइंस के आगे जो साइन दे रखा है तो इस पे फिर से आपको टच करना है। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और खुल जाएंगे, बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो जिसका भी आप सिलेबस है डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का आपको सिलेबस डाउनलोड करना, तो देखिए फिजिक्स डिपार्टमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर फिजिक्स पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस फिर से खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है अबाउट डिपार्टमेंट फैकल्टी मेंबर्स, तो यहां पर फैकल्टी मेंबर्स पे आप करेंगे तो यहां पर जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनको फोन नंबर्स वगैरह और प्रोफाइल वगैरह फोटोज वगैरह आपको यहां पर दिखाई देंगे जो इस फैकल्टी से रिलेट करते हैं। यहां पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पे आप टच करेंगे तो यहां पर देखिए सिलेबस खुल जाएगा, देखिए एनईपी 2020 सिलेबस बीएससी फिजिक्स, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका जो सिलेबस है 2020 सिलेबस बीएससी फिजिक्स तो यहाँ पर आ चुका है, तो इसको अगर आप टच करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। और अगर बीएससी एनुअल मोड का आपको करना है, अगर आप एनुअल मोड से हैं तो अगर एनुअल मोड का करना है तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे आपका सिलेबस बीएससी एनुअल मोड आ रहा है 2019 ऑनवर्ड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिजिक्स का जो एनुअल मोड वाला सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए बीएससी फिजिक्स सिलेबस सेमेस्टर वाइज जो पहले सेमेस्टर वाइज चलता था वो वाला सिलेबस ये दे रखा है नीचे साइड में, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, कुल मिला के बस आपको पढ़ के और डाउनलोड कर लेना है। ये जो छोटी सी प्रोसेस है इसके माध्यम से आप अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।